स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज इस वीडियो में हम एक ब्लाउज डिज़ाइन देखने वाले हैं। दिवाली स्पेशल ये ब्लाउज डिज़ाइन रहेगा। 10.5 इंच डेप्थ रखेंगे गले की, और डीप गले का डिज़ाइन आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आज एक बार फिर से मैं डीप गले के ब्लाउज डिज़ाइन आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। ये इस प्रकार से गले की मार्किंग आप सभी लोगों को कर लेनी है, और उसके बाद ना इस निशान को ऊपर से मिलाना है। गले का जो फैलाव है 2.25 आप रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि दिलीप टेलर्स एंड बुटीक का मेगा सेल चल रहा है पेपर कटिंग्स का। 30% से ज़्यादा तक की छूट अभी आप लोगों को मिल रही है, तो आप मंगा सकते हैं। 3 नवंबर उसका लास्ट डेट है, लक्ष्मी पूजा के दिन तक का, तो आप लोग मंगा सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को इस तरह का ऑफर दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी हमारे ब्लॉग चैनल पर कंटिन्यू वीडियोज़ आ रही हैं, और पब्लिक बहुत ज़्यादा हमारे ब्लॉग चैनल्स को पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को देखना। आपने नहीं देखा तो आप भी जाइए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ देखेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ब्लॉग विथ रोशनी चैनल का नाम है। डिज़ाइन पे आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो डिज़ाइन है ना, डीप गले के अकॉर्डिंग जब आप बनाते हैं बहुत ही सरल है। थोड़ा सा समय लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा ना आपको पेचीदा लग सकता है। सरल तो है लेकिन बनाने में थोड़ा सा आपको पेचीदा लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा है, और मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हो बेशक बना सकते हो, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। इसके लिए ये हमने पट्टी कटिंग करनी है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इसलिए उतना ज़्यादा इसमें बता नहीं रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ आज बोलूँगा भी नहीं। आप कम्प्लीटली देखेंगे, म्यूज़िक पे ये वीडियोज़ हम लगा देंगे, और आप बहुत अच्छे से आप इसको देख करके ही बना सकते हो। एकदम मैं इसको बोल बोल करके बताऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पर हम डोरी पाइपिंग को लगाएंगे। डोरी पाइपिंग इस तरह से लगा करके हम इसको पूरा अटैच कर देना है। ये जो डोरी पाइपिंग है, डोरी वाली, इसको बनाने का तरीका मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। डोरी पाइपिंग के ऊपर स्पेशली बहुत सारी वीडियोस हैं। ये जो छोटा सा कट लगाया गया इसका भी बहुत महत्व है राउंड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है अगर आप एक बिगिनर हैं तो। दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जा करके ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और घर बैठे एकदम आसानी से। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा पाइपिंग फिट किया, छोटे छोटे कट्स लगा दिए। अब मज़ेदार बात यहाँ पे क्या है, इस पर कट्स लगा दिए तो आप सोच रहे होंगे इसको पलटाएंगे कैसे। तो पलटाने के लिए हम एक अलग कपड़े का यूज़ करने वाले हैं। ये जो कपड़ा है ना इसका यूज करेंगे, इसको उल्टा रख करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई जब लगाएंगे तो डोरी के राइट साइड से लगनी चाहिए, तभी तो उसमें पकड़ बनेगा। तो ये सब बातें हैं। अब देखो ये इस तरह से इसमें रखेंगे, रखने के बाद राइट साइड से सिलाई चलाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि डोरी पाइपिंग जब आप बनाते हैं, डोरी के ऊपर सिलाई लगाते हैं ना, तो डोरी आपकी अंदर रहनी चाहिए, दोनों फुट के अंदर, और सिलाई आपकी राइट साइड से चलनी चाहिए, ठीक है? ये इस तरह से ये हमने सिलाई चलाया। अब उसके बाद ये जो डोरी पाइपिंग है इसका आप पलटाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करोगे उसका देखना, क्योंकि हमने यहाँ पर पट्टी लगाया, वो पट्टी हमारे बहुत काम आने वाला है। और ये डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन है या नया डिज़ाइन है, और नया डिज़ाइन तो अब कुछ हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि डिज़ाइन में इतनी सारी वेराइटीज़ आ चुकी हैं और इतने एक से बढ़ के एक डिज़ाइनर्स हैं, तो सब कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं, तो नया तो कुछ हो नहीं सकता आज के समय में। और डिज़ाइन अक्सर पुराने डिज़ाइन ही कुछ नया रूप लेकर के आते हैं। ऐसा नया डिज़ाइन तो अब आदमी डिज़ाइन बनाए भी तो कितने तरह का डिज़ाइन बनाए है ना, तो कुछ ना कुछ नया रूप देने की कोशिश की जाती है और वो डिज़ाइन नया हो जाता है, और ऐसा कुछ है नहीं। ये छोटे छोटे कट्स हम लगाएंगे, और कट्स लगाने के बाद हम इसको पूरा सेट कर लेंगे। तो देखना पीछे जो कपड़ा है उसका हमको यूज़ करना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने कहा पेपर कटिंग जिन लोगों को मंगाना है प्लीज़ आप लोग जल्दी कहें, 3 नवंबर तक का टाइम है, दिवाली आने वाली है, और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऑनलाइन क्लासेस का न्यू बैच जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, कल एक वीडियो आ जाएगी सेपरेट वीडियो ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं अभी। पेपर कटिंग्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर कटिंग के लिए अब हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी। ये जो सेल है इसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इतनी भारी छूट आपको दोबारा नहीं मिलेगी, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। और जिन लोगों को भी पेपर कटिंग्स मंगाना है 100% फिटिंग गारंटी के साथ, 100% कैश ऑन डिलीवरी है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर चार्जेस हैं, ठीक है? आपको किसी भी तरह से कुरियर चार्ज नहीं देना, केवल प्रोडक्ट के चार्ज देने हैं। तो आप लोग एक बार जाके अमेज़ॉन पे भी चेकआउट कर सकते हो, और डिस्प्ले पे जो हमारा नंबर चल रहा है उस पे भी आप लोग कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और आप पूरे डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखो इसको हमने पूरा बना दिया,
डोरी वाइपिंग पलटा लिए, पीछे एक पट्टी। अब ये जो है ना इस तरह से काट देते हैं सेंटर से थोड़ा सा। इस डिज़ाइन में मुख्य रूप से और क्या करना है तो यहाँ पर देखना, ये जो पट्टी है इसको पहले तो फोल्ड कर लेते हैं ये ऐसे। इस तरह से जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, बहुत इजी चीज़ है ये, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों साइड का ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। ये देखो फोल्ड किए और काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कि वो जो डिज़ाइन क्रिएट किया गया है उसको कैसे करना है, जो अपने थंबनेल पर देखा काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, सुंदर सा डिज़ाइन है, आप देख करके खुश हो जाएंगे। ये गैपिंग डिस्टेंस आपको तैयार करना है, 1.25 इंच लगभग, 1.5 इंच पे भी चलेगा। और यहाँ पर 1 इंच दूरी से और निशान लगाना है, तो ये दोनों निशान इस तरह से लगाते चलना है। अब इसके बाद ये निशान जो हमने लगाया उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं इस तरह से। सिलाई इसलिए क्योंकि हमें यहाँ से काट के निकालना है, ध्यान देना मेरी बात का, ये इसलिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है डायरेक्ट इस तरह से कटिंग कर दें, अब ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सावधानी से करनी है, जितना आसान हमको दिखता है उतना आसान होता नहीं है। ये देखो ये बिल्कुल बारीक पट्टी यहाँ से कट करके निकल गई। अब ये वही कपड़ा है जो अभी हमने ब्लाउज से काट के निकाला है, ध्यान देना। इस साइड में भी आपको पाइपिंग लगा देना है, बीच से हमने थोड़ा सा कपड़ा बस छांट के निकाला हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कपड़ा नहीं छांटे हैं, थोड़ा सा बस। डोरी पाइपिंग लगाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ इसमें अलग कुछ नहीं करना है, बहुत आसान बहुत इजी प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। डोरी पाइपिंग की हमारी पर्टिकुलर जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से दोनों साइड में हमको जो भी बीच से काट के निकाले हैं दोनों साइड में पाइपिंग लगा देना है, बहुत आसान है। पाइपिंग लगाने के बाद और क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मेन इसमें क्रिएटिविटी का ही खेल है, इतना मेहनत नहीं है, समय इसलिए लगेगा क्योंकि बारीक काम है, और ब्लाउज डिज़ाइनिंग एक बारीक काम ही है फ्रेंड्स, ये इतना आसान होता नहीं है जितना आसान हमको दिखता है। ये इस प्रकार से हमने दोनों तरफ डोरी पाइपिंग को अटैच किया है अभी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ का पाइपिंग सीधा लगाए एक तरफ का उल्टा लगाए तो ये कैसे होगा, इसको भी चलिए देखते हैं। ये जो पाइपिंग है ना आपका इस तरह से पलट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इधर का जो पाइपिंग है इसको भी इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े पूरे काट देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना एक्स्ट्रा कपड़ों का कोई यूज़ नहीं है इसलिए पूरा काट के निकाल रहे हैं। अब ये सब चीज़ें आप बिल्कुल बारीकी से देखते हैं इसलिए आप बहुत फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन को तैयार कर पाते हैं। और बहुत दिनों से मैं किसी भी तरह का डिज़ाइन बता नहीं रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि चलो आप वापस से कुछ कुछ डिज़ाइनें बताई जाएँ, बहुत दिनों गया था मैं डिज़ाइन बता नहीं रहा था, और अभी भी मुझे समय उतना मिलता नहीं है तो डिज़ाइनिंग के प्रति उतना ध्यान है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कोशिश करेंगे आगे। अगर आप लोग इस डिज़ाइन की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं कमेंट्स करते हैं ना तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। ये देखो कम्प्लीटली इस प्रकार से आपका पाइपिंग लग चुका है। एक नीचे न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर लेने के बाद ये इस प्रकार से पूरी मार्किंग कर लेनी है, और उसके बाद आपको पूरा जमा करके इसको स्टिच करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो निशान हम लगा रहे हैं ये एक मार्कर पेन से लगा रहे हैं पेपर के ऊपर में, ठीक है, इस तरह से हमने रखा इसको। उसके बाद गैप हमको यहाँ पे तैयार करना है, तो गैप पर थोड़ा ध्यान देंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर कितना गैप हमको रखना चाहिए, तो ये गैपिंग डिस्टेंस, और ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना कपड़ा वहाँ से छांट के निकाला है, ठीक है।
ये इस तरह से रख करके 1 इंच 1.25 इंच 1.5 इंच उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतने में बहुत बेहतर डिज़ाइन बन जाएगा। और आपका ये एक दूसरे से अटैच भी तो होना चाहिए ना कपड़ा, अगर नहीं होगा अटैच तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये इस तरह से बराबर रख के इसको पूरा प्रॉपर सेट कर देना है, ठीक है। और सेट करने के बाद हम इसमें आगे बनाते जाएंगे। तो इसको कम्प्लीटली जमा करके देखना है आपको, गैप आपका बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस आपका बराबर बैठना चाहिए और डिज़ाइन का लुक भी अच्छा आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कपड़ा जोड़ने के चक्कर में हमने लुक को ही ख़राब कर दिया, या लुक दिखाने के चक्कर में डिज़ाइन का हमने कपड़े को ही ख़राब कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और देखते हैं ये डिज़ाइन किस प्रकार से लुक देगा, ये चीज़ें भी हमें समझ में आनी चाहिए ना, क्योंकि आपने मोबाइल पे देखा या टीवी पे देखा, कंप्यूटर लैपटॉप पे देखा, वो डिज़ाइन अलग होते हैं। सेम टू सेम आप बनाने की कोशिश करेंगे फिर भी वो डिज़ाइन आपसे नहीं बनेगा। यहाँ पर देखना, ये जो कपड़ा हमने लिया एक्स्ट्रा कपड़ा छोटा सा, इसका हम क्या यूज़ करेंगे, इसको पहले पलटाते हैं, डबल फोल्ड करके सिलाई किया, अब इसको पलटा देते हैं इस तरह से, ये ऐसे, और इसको पलटाने के बाद ये इस प्रकार से रखना। यहाँ पर हम छोटे छोटे ना बो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखना। ये इस तरह से इसमें चुन्नटे डालेंगे, बीच से बीचों बीच हाथ रखना और इस तरह से चुन्नटे डालना और इसको बांध लेना, ये ऐसे चुन्नटे डाल डाल करके। ऐसे ही आपको बहुत सारे बना लेने हैं, बहुत सारे मतलब 8-10 कम से कम, जो उस लाइन पे एकदम आप जितना बिठा सको सूटेबल उतना आप बना लेना, ठीक है। ये एक मैंने बनाने के लिए बता दिया, इसी तरह से आप सभी को बना लेंगे फटाफट फटाफट। और इस पर मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, आप लोग सबको बनाएंगे उसके बाद देखते हैं फिट कैसे करना है। तो ये देखिए, ये एक एक करके हमने सबको यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पर रखने के बाद अटैच करना होगा। अब अटैच कैसे करेंगे, तो वही जो दोनों निशान लगे हैं पेन से उन्हीं के बीच में अटैच करना है। किसके ऊपर अटैच करना है, पेपर के ऊपर, समझ में आ रहा है, पेपर के ऊपर में इसको अटैच करना रहेगा। देखो हमने अभी नीचे के ही किए हैं, ऊपर का देखो यहाँ पर इस तरह से जमाएंगे, क्योंकि नीचे का आराम से बैठ रहा था। ऊपर का देखो गेपिंग को ध्यान में रखते हुए जमाएंगे, एक बराबर गेपिंग पे रहेगा। जितना बढ़िया तरीके से बनाओगे, जितना समय दे करके बनाओगे, उतना खूबसूरत दिखेगा। ये इस तरह से रखना ऐसे, और उसके बाद बराबर गेपिंग में ला करके सिलाई करना। और वो जो आपने चुन्नटें डाल करके बीच में जो धागा बांधा हुआ है ना, वो आपके दोनों निशान के बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। सेंटर भी अगर आपका इधर उधर सरक रहा है तो ये डिज़ाइन का लुक नहीं आएगा, बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। हर एक ये जो बटरफ्लाइज हमने बनाए हैं, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले इसका कुछ नाम बताया था, अभी मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग नाम सजेस्ट करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों के लिए आप ही के भाषा में बोलने की कोशिश करता हूँ। बटरफ्लाई इसका नाम मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट किया था। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से अब इसको हम यहाँ अटैच कर देंगे, ठीक है। और ये सिलाई ना पहले अंदर वाले पोर्शन पे लगाएंगे, ताकि उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बटरफ्लाई के अंदर का, उसको आप काट सको, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ध्यान रखना सिलाई कहाँ लगानी है, इस वाले पे। कंप्लीट करते हैं ये सिलाई, ये सिलाई हो जाने के बाद देखो यहां पे एक चीज का विशेष तौर पे और ध्यान रखना है आपको, कि इसको फिट करते टाइम फिनिशिंग आपकी बेहद जरूरी है, कहीं पर सलवटे वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। दूसरे साइड का भी लेंगे, और एक्चुअल में हमने वहां पे प्रॉपर निशान लगा रखा है पेन से, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अगर आप इसको फिट करेंगे।
अगर जो प्रोसेस बताया गया है सेम उसी तरीके से बनाओगे और आपके हाथ में फिनिशिंग है, अनुभव है आपको, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये इस प्रकार से रख करके इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत आराम से इन सब चीज़ों को बताया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं कि म्यूज़िक चलाते हुए कुछ का कुछ बता दिए, कम्प्लीटली वॉइस ओवर करके इस डिज़ाइन को बताया गया है ताकि अगर आपको कोई चीज़ कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको देख सकें, सुन सकें, समझ सकें। ये इस प्रकार से कि पूरा हमने अटैच कर दिया। अब अंदर, जैसे मैं ये बात कर रहा था कि अंदर बटरफ्लाई के कपड़े जो हैं उसको आपको इस तरह से काटना है, ठीक है। सेम इधर के भी, ये देखिए, दोनों काटने के बाद ये ऐसे, ये डिज़ाइन आपका रेडी होने को है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्क और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं बटन्स लगाने का। और यहाँ पे कपड़े के अगर बटन्स लगाए जाएं बेहद ही खूबसूरत दिखेंगे। कपड़े के जो बटन्स बनते हैं ना बहुत ही बढ़िया दिखते हैं वो सभी बटन्स। तो इसको बनाने के बाद कंप्लीट इसका फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले ये पेपर को यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि पेपर का काम अब नहीं है। ये पेपर हम कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद बटन्स को यहाँ पर लगा करके आपको एक फाइनल लुक देंगे। ये देखिए, कपड़े के जो बटन्स हैं पहले भी मैंने बहुत से बताए हैं बनाने के लिए, तो आप सभी को पता ही होगा बनता कैसे। इनको बना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे अटैच करते हैं। ये देखो, बहुत बढ़िया डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और इस दिवाली आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। हालांकि बहुत लेट हूँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए या बताने के लिए, इसको जल्दी बताना चाहिए था, है ना। ये इस तरह से बटन आप लपेट लें, धागा इसमें बांध दें अच्छे से। धागा बांधने के बाद सभी बटन्स इसी तरह से तैयार करके एक एक करके आप इसमें लगाइए। अपने हिसाब से लगाना, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर जितना बताऊँगा उतना ही आपको लगाना है। अपने हिसाब से लगाइए जितने आप लगा सकते हैं, और बहुत बढ़िया लगेगा ये डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ अन्य वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।